और इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से। श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि पीडीपी नेता परवेज अहमद पर यह आतंकी हमला हुआ। इस आतंकी हमले में उनका सिक्योरिटी गार्ड हो गया है जख्मी। बताया जा रहा है कि हमला पीडीपी नेता परवेज अहमद के घर में घुसकर किया गया है। तो घर में घुसकर इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया है। और जानकारी ये कि इसमें पीडीपी नेता के सिक्योरिटी गार्ड को चोट आई है, वो जख्मी हुए हैं। हमले में घायल सुरक्षाकर्मी को फिलहाल भेजा गया अस्पताल। कुछ लोग आए थे, परवेज साहब पे हमला हुआ, तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने भी यहाँ प्रोटेक्टेड पर्सन्स थे उनकी सिक्योरिटी इन लोगों ने विड्रा की है। ज़रूरत है कि इस बात को जो है नए सिरे से देखा जाए। इस तरह हलाकत में यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स को डालना सही नहीं है। चलिए सीधे हम घटनास्थल का रुख कर लेते हैं। वहां से हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़ गए। रिफत, अब क्या अपडेट आपको इस पूरे हमले के बारे में मिल पा रहा है, और अगर वहां की तस्वीरें भी आप दिखा पाए जहां पर यह हमला हुआ? इंजन पे हमला हुआ है, एक सिक्योरिटी गार्ड जो है गंभीर रूप से घायल हुआ है। गायत्री, मैं उन्हीं से बात कराऊंगी। जी बताइए क्या हुआ? जी आज सुबह मेरे घर के अंदर दो लोग घुस गए, जिनके ऊपर फेरन लगा था। दो AK-47 उन्होंने निकाले और उधर फायर करने की कोई दो फायर किए, तो उसी में हमारा दूसरा PSO यहाँ से निकला, उसने फायर किया। अगर वो PSO यहाँ नहीं होता तो आज शायद ये तीसरा आइटम तो मेरे ऊपर था। तो ये यानी कि आपकी जान बाल बच गई। मेरे बच्चे, बुजुर्ग माँ है। आज हम दो सिक्योरिटी गार्ड है, उसमें से एक गंभीर रूप से घायल है। वो गंभीर घायल है, पता नहीं वो बचेगा कि। तो ये पीडीपी के नेता है जिनका ये कहना है कि उनके PSO गंभीर रूप से घायल हुए। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, ये उनका घर है और उस गेट पे जो है ये हमला हुआ, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड तैनात था। अभी यहां पे CRPF और पुलिस के लोग आ रहे हैं, मामले की अब जांच की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ये अटैक हुआ है तो ये कहा जा सकता है कि एक मिलिटेंट अटैक है। आपको मालूम है कि एक DDC के कैंडिडेट पे अटैक हुआ था अनंतनाग में, उसके बाद एक और अटैक है ये किसी पॉलिटिशियन पे। तो ऐसे में जरूर जिस तरीके से DDC के इलेक्शंस चल रहे हैं उसमें से अगर इस तरीके का अटैक होता है तो कहीं ना कहीं वोटर्स पे भी खौफ हो जाता है। लेकिन अब देखना होगा कि जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, कौन लोग थे, क्यों अटैक उन्होंने किया, अब ये देखना होगा। लेकिन ये बात सही है कि यहाँ पे मिलिटेंसी अभी भी है, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो या सेंट्रल कश्मीर हो। हालांकि सेंट्रल कश्मीर में आपके पास लौटेंगे, आप नजर बना के रखिएगा। इस बीच ये भी बता दें, जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल के जवानों